गुड इवनिंग दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा के व्लॉग नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम ऑटो पकड़ के निकल गए हैं क्योंकि आज है महासप्तमी। आज बहुत सारी पूजाएं होने वाली हैं और हम एक के बढ़कर एक इन पूजाओं को देखेंगे। ऑटो स्टैंड हमें उतारता है पालीगंज दुर्गा पूजा के पास। ये है गड़ियाहाट में। ये वन ऑफ माई फेवरेट पूजा है। यहाँ माँ की मूर्ति बहुत प्यारी लगती है। ये एक पाड़ा की पूजा है तो यहाँ आप शांति से माँ को देख सकते हैं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, अरे हटो, अरे ये करो, अरे वो करो, अरे फोटो लेने दो। मैं जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ बहुत खूबसूरत पूजा हो रही थी। आज के व्लॉग में एक अलग चीज होगी। आज आपको मैं ना ओरिजिनल वीडियो की आवाज सुनाऊंगा जहाँ जहाँ पूजा हो रही होगी, जिससे कि आपको बंगाल की दुर्गा पूजा में कैसे पूजा की जाती है जरूर पता चले। वहां से आगे बढ़े, बगल में एक छोटी पूजा और हो रही थी तो वहां गए, वो पूजा देखी और हम चल पड़े बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन की पूजा देखने में। ये कलकत्ते की एक प्रसिद्ध पूजा है, साउथ कैलकटा की मस्ट सी पूजा मानी जाती है और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग काम किया जाता है हर साल। हर साल जो थीम होता है वो आपको बहुत कुछ बताता है। अगर आपको बंगला पढ़नी नहीं आती है तो कलकत्ते के कई पंडालों का मैसेज शायद आपको नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो कोई बंगाली दोस्त बनाएं और उनके साथ पूजा देखने जाएं। इससे दो फायदे होंगे, आपको बंगाल के कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और एक नया दोस्त भी मिलेगा। ये देखिए बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन का पंडाल अंदर से कितना खूबसूरत है, कितनी भीड़ है। और ये है माँ दुर्गा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। अब इस मूर्ति को देखते देखते आपको ये रियलाइज होगा कि इस बार कई जगह रिसाइकिल्ड टूल्स और रिसाइकिल्ड मटेरियल्स के साथ काम किया गया है। बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बच्चों को सिखाता है क्योंकि बड़े बूढ़े बच्चे सब पूजा देखने आते हैं। इस थीम की पूजाओं से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। मुझे ये पूजा बहुत पसंद आई। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो पूर्णदास रोड आ गए। यहाँ ये सड़क के कोने पे एक पूजा बनती है जिससे कि 50% पे पंडाल होता है, 50% पे गाड़ियां आ जा रही हैं। यहाँ की ढाक अमेजिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ ढाकी नहीं है, इस समय सुबह का टाइम है, शायद रात भर बजा के वो अब रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम निकलते हैं ट्रायंगुलर पार्क की दुर्गा पूजा देखने। ट्रायंगुलर पार्क गरियाहाट राजबिहारी रोड पे एक बहुत फेमस पार्क है। इसके आसपास बहुत कपड़ों की दुकानें हैं, बहुत मार्केट्स हैं और इनकी पूजा भी बहुत सुंदर है। भव्य पंडाल लगाते हैं, बड़ा पंडाल लगाते हैं, तामझाम कम होती है बट माँ की मूर्ति अद्वितीय होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं माँ की प्रतिमा के लिए बायस्ड हूँ, मुझे डेकोरेशन होना हो, लाइट होना हो, अगर माँ की मूर्ति को देख के मजा आ जाए तो क्या बात। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने किसी के घर की बहुत स्वीट पूजा देखी। वहाँ इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस वाले आए हुए थे तो मैं अंदर नहीं जा पाया, मैंने दूर से ही माँ का दर्शन किया। यहाँ से हम आगे बढ़े और हम पहुंचे महानिर्वाण रोड की डोवर टेरेस पे पूजा पे। अगेन ये पहाड़े की छोटी छोटी पूजाएं हैं, इस बार मैंने सबके नाम नोट नहीं किए, माफी चाहता हूँ। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर पंडाल का नाम जरूर दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल मैप्स का लिंक है जो उन सारी पूजाओं को आइडेंटिफाई करता है जहां मैं गया हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यह है पंडिता संध्या शंगो। ये पंडिता स्ट्रीट की पूजा है, छोटी पूजा होती है लेकिन हमेशा बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर बनाते हैं और दिन में जाएं तो थोड़ा सुकून से भी देख सकते हैं। जब मैं गया तो पंडित जी पूजा कर रहे थे और माँ की ये सौम्य मूर्ति सामने, मंत्र उच्चारण से दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इनको सुनते रहें तो आपका पूरा दिन बीत जाएगा। ये माँ की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। अब आप देखिएगा पहले दिन दूसरे दिन से आज कितना फर्क है। आज माँ की मूर्तियों पे माला चढ़ी हुई है, पूजा हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठान हो चुका था। अब हम पहुँचते हैं एक और छोटी सी पूजा जो उसी गति में है। छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तामझाम में है तो माँ की मूर्ति पर बहुत भाव है। मैंने 2 मिनट इसलिए ब्रेक लिया क्योंकि आप पंडित जी को उच्चारण करते सुन सकते। वीडियो में आप जितना भी देखें, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे आप इस माहौल को फील नहीं करते। मेरी दरख्वास्त है
एक बार कलकत्ते पूजा में जरूर आए और इस फीलिंग को एंजॉय करें। ये अद्वितीय फीलिंग, इसका मजा ही। इस पूजा में मैंने काफी समय दिया। इतने अच्छे माहौल के बाद अब हम जा रहे हैं साउथ कलकत्ता, वन ऑफ द मस्ट सी बिगेस्ट ऑसम अमेजिंग पूजा देखने। इस पूजा का नाम है त्रिधारा सम्मेलन। ये प्राउड करते हैं अपने आप को हमेशा ऐसे ओपन कॉन्सेप्ट मॉडर्न पंडाल बनाने के लिए। हर साल इनके यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, पूजा शुरू नहीं होती कि इनकी इमेजेस सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, न्यूज चैनल पे फैली हुई होती है। ये कलकत्ता की मस्ट विजिट, मस्ट सी, मोस्ट फोटोग्राफ पूजाज में एक है। ये पंडाल रात को आउटस्टैंडिंग लगता है और मैं कहूँगा इसे तो रात को देखना बनता है। ये पूजा इतनी भीड़ वाली होती है कि यहाँ कंटिन्यूस आपको यही सुनने को मिलता है, दादा एक तो आगे जावें, दादा तातड़ी करूँ, दादा फोटो ने बनना, दादा दाड़ी बेचे खून वीडियो ने बनना, चलते थकून। इसका सब बंगाली में एक ही अर्थ है, चलते रहिएगा, भीड़ बहुत है, रुकिएगा मत, ज़्यादा लंबे वीडियोस में बनाएगा। मैं ये बात बोलूँगा, इतना सब सुनने पर भी अगर आप वहाँ एक मिनट रुक के वीडियो बना रहे हैं ना, जैसे मैंने बनाए हैं, कोई आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा। यही दुर्गा पूजा की खूबसूरती है। सबको पता है कि ये एक उल्लास, खुशी और सामाजिक उत्सव है। ये आपका या मेरा नहीं है, यहाँ कोई ओनर नहीं है। यहाँ से हम निकलते हैं देशोप्रिय पार्क की पूजा देखने। ये कलकत्ते का एक बहुत बड़ा पार्क है और इसमें हमेशा एक भव्य पंडाल लगता है और यहाँ एक बड़ी पूजा की जाती है। इस पूजा के बहुत फैंस हैं और यह आयोजन देख के आपको पता चल जाएगा कि इस पूजा को घुसने के लिए कितनी भीड़ होती होगी, कि इन्होंने करीब करीब ये आधा किलोमीटर का बांस का बनाया हुआ रास्ता बनाया है पंडाल तक पहुंचने के लिए। अभी दिन में खाली है तो आपको लग रहा है क्यों बना रखा है, बट रात को आप सोचेंगे ये पूरा चकाचक भरा होगा। और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि एक तरफ से लोग घुसेंगे, एक तरफ से लोग निकलेंगे। मैं भी चलते चलते आखिर में पंडाल तक पहुंच ही जाऊंगा, मुझे आशा है। अभी गर्मी बहुत हो रखी है, मैं पसीने से नहा चुका हूँ। कलकत्ते में दुर्गा पूजा में ह्यूमिडिटी होती है, मेरी एडवाइस रहेगी हल्के कपड़े पहने और साथ में पानी और एक टॉवल जरूर रखें, जिससे कि आप पसीना बोर सकें और अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर सकें। अब हम घुसने वाले हैं इस पंडाल में। ये पंडाल भी इसीलिए प्रसिद्ध है कि पंडाल बहुत मॉडर्न होगा, बहुत आर्टिस्टिक होगा, पर जब आप माँ के दर्शन करेंगे तो आपको माँ का प्राचीन रूप आपको दिखेगा, आपको माँ अपने अवतार में दिखेंगी, मॉडर्न नहीं। तो इस पंडाल की खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत बना रखा है। और थोड़ा लोगों को एक्सक्यूज मी बोल के, सॉरी बोल के, दाएं बाएं होके मैं मूर्ति के कुछ पास तक तो पहुंच ही जाता हूँ। ये पंडाल हमेशा इतना बिजी रहता है और इसको खाली पाना तो नामुमकिन है। अब यहाँ से हम मैत्री मंडल दुर्गा पूजा देखने चलते हैं। ये एक छोटा सा पहाड़े की पूजा है, लेकिन ये एक मस्त सी पूजा है क्योंकि इनका सजावट बहुत खूबसूरत होती है और माँ की मूर्ति तो बहुत सुंदर, एक्चुअला मूर्ति है गोल्डन साज में, कितनी सुंदर लग रही है। और इन्होंने इतने सारे पेड़ लगा के ये जो कुटीर बनाया है, जिसका मतलब है बंगाली में एक गाँव का घर, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से हम चलते हैं लैंसडाउन टेरेस की रोड। अब ये आप सोचेंगे मैं इन गलियों में क्यों जा रहा हूँ, क्या ये पूजाएं फेमस हैं? तो मैंने आपको शुरू से बताया, पूजा छोटी हो या बड़ी हो, मज़ा तो माँ को देख के आता है। ये देखिए डाकिट साज की माँ, ट्रेडिशनल मूर्ति। मैं इन गलियों से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं गूगल मैप्स में एक एक करके जो पूजाओं का नाम मैं जानता हूँ वो डालता हूँ और उन रस्तों को फॉलो करता हूँ। अब हम चले आए हैं नूतन प्रभाती शंघो की दुर्गा पूजा। इन्होंने हाथ रिक्शा का थीम बनाया। हमने पहले भी एक हाथ रिक्शा की पूजा देखी थी, बट इनकी पूजा बहुत खूबसूरत है। ये पूजा कलकत्ते के एक पुराने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के सामने है, जिसका नाम है प्रेमा विलास। तो आप यहाँ आए
तो वहां जाके खा सकते हैं, पर दुर्गा पूजा में भीड़ बहुत मिलेगी, थोड़ा वेटिंग करना पड़ सकता है। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं पूजा मंडाल में, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन है। अंदर जाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि लोग सेल्फीज ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे मेरी तरह। मैं उनको कुछ कह नहीं पाया क्योंकि भैया मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो जब हम सब वही कर रहे हैं तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप भी एक ले लीजिए वीडियो, मैं भी एक ले लूँ, माँ के दर्शन हम सब कर लें। ये देखिए कितनी प्यारी माँ की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से हमने ऑटो किया और हम पहुँच गए चितला अग्रणीशम। ये कलकत्ते की एक पूजा है जिसने पिछले 5-10 सालों में अपने आप को बहुत नाम कमाया और लोग दीवाने हो गए। मतलब अब ये पूजा बिना देखे लोग पूजा का परिक्रमा पूरी नहीं मानते। जब हम छोटे थे तो शायद इतना पॉपुलर नहीं थी ये पूजा। इन्होंने इस बार एक जटायु रूप के पक्षी का रूप बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया है, उनके मुंह के अंदर माँ को स्थापित किया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन बहुत भीड़, बहुत धक्का मुक्की। एक चीज याद रखिएगा, कलकत्ते वालों को गर्मी में छाता लेके चलने का बहुत शौक है, अपनी आंखें बचा के रखिएगा क्योंकि ये छाते भीड़ में कई बार आपको चुभ भी सकते हैं। किसी तरह लोगों को दाएं बाएं करके, प्यार से आगे पीछे करके हम पहुंच गए माँ के सामने। माँ की मूर्ति बहुत प्यारी है। जब हम पहुंचे तो पूजा चल रही थी। आप देखिए पंडाल कितना खूबसूरत बनाया है, क्या भव्य पंडाल है, और इस पंडाल को रात को देखने के लोग दूर दूर से आए। यहाँ मैं फिर वही कहूँगा कि मैं नहीं आ पाया रात को, अगले साल जरूर, और ये पंडाल आपको जरूर करेगा क्योंकि इतना मजा आया इस पंडाल का माहौल, पूरी वाइब, वाइब बहुत अच्छी थी। और माफी यहाँ भी पूजा चल रही है। बहुत प्यारा लगा, जैसे हम अपने घर में आएंगे तो उनका आदर सत्कार। सिक्योरिटी वाले भैया ने 2-4 बार कहा, आपको कलकत्ते की पूजा की थोड़ी और बारे में पता चला होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ कम बोला है कि आप साउंड्स को एंजॉय कर सकें। यहाँ से हम निकले, अगेन पाड़े की एक पूजा देख के आगे बढ़े, बहुत खूबसूरत माँ की मूर्ति थी। अब हम जा रहे हैं बंगाल बॉयज ट्रेनिंग एसोसिएशन की पूजा देखने। यहाँ बहुत प्यारा गाँव का सीन बनाया गया था, बहुत सुंदर पंडाल था। अनफॉर्चुनेटली हम माँ की पूरी मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाए बिकॉज इस समय भोग लग रहा था, पूजा हो रही थी। माँ दुर्गा को उनके घर आने पे आदर सत्कार से ट्रीट किया जाता है। ये जितना बड़ा फेस्टिवल है ये उतना ही धार्मिक भी है, तो यहाँ सारे नियम पालन होते हैं। आपको पंडालों में जितना लोगों को सेल्फी का प्यार, वीडियो का प्यार होगा, बट नियम पूरे माने जाते हैं। पंडाल में पूरी श्रद्धा से, पूरी नियमों से पूजा होती है और उन नियम का पालन किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कालीघाट नेपाल भट्टाचार्य जी स्ट्रीट क्लब। इस पूजा का ना कई तरह से आभास, बड़ा क्या बोलूं, चौंका देने वाला या आपको सोचने पे मजबूर करने वाला। क्योंकि जैसे जैसे हम इस पूजा के अंदर आते गए ना, हमने दो तरह की चीजें देखी। इन्होंने अपने पूजा प्रांगण में उन मूर्तियों को भी रखा था, उन कलाकृतियों को भी रखा था जो सुंदर थी, सुडौल थी, नई थी, और उनको भी रखा था जो पुरानी थी, जो टूटी हुई थी, जो विसर्जित थी। तो एक तरफ नवजीवन और एक तरफ जीवन का अंत और अस्त दोनों देखने को मिल रहा। पर माँ की मूर्ति में भी एक रौद्रता थी, एक तेज था जो आपकी आंखों में अटक जाए, कि जैसे माँ कुछ कहना चाहती है कि जिंदगी के दोनों पहलू जीने पड़ेंगे। ये देखिए वो पुरानी मूर्ति है, तो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया इस पंडाल ने।
माँ की मूर्ति बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी, और जो वृक्ष था पीछे वो ऐसे लग रहा था कि माँ किसी गाँव में किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। इसी बीच हमें बगल में एक छोटी सी घर की पूजा दिखी बाहर से गेट से, तो मैंने फोटो ले ली। यहाँ से हम चले 66 पल्ली और 67 पल्ली की पूजा देखने। ये बहुत प्रसिद्ध पूजा है। अब इसमें क्या हुआ, बड़ी अच्छी कहानी है। मैं यहाँ के लोकल बाशिंदों के साथ लाइन में लगा था और एक गार्ड ने हमें गलत बता दिया। तो जब हम गेट तक पहुंचे तो उसने बोल दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो लोकल बाशिंदों ने उसे डांट के बोला कि अगर लाइन लगानी नहीं आती तो लगवाते क्यों, और फिर हमें अंदर ले लिया। अगर वो नहीं होते तो मुझे चल के वापस पूरा घूम के जाना पड़ता। ये माँ की मूर्ति बहुत खूबसूरत है, और इस दुर्गा पूजा में जो कुछ मूर्तियां मेरी आंखों से नहीं हट रही उनमें से ये एक है। जब मैं क्लोजअप पे जाऊंगा तो आप माँ को देखेंगे। छत पे उन्होंने ऐसा किया है जैसे कि आग जल रही है। माँ की मूर्ति देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी यूनिक है कि पूरे दुर्गा पूजा में मुझे देखने को नहीं मिली। यहाँ की भीड़ भी बहुत होती है, देखिए माँ का रंग कितना है, खूबसूरत है। और इन्होंने पंडाल के ऊपर माँ के चेहरे लगाए थे बड़े जो बहुत खूबसूरत। यहाँ से हम चलते हैं मोनोतो स्मृति संगो, ये इसी एरिया की पूजा है, और आप अंदर जाके देखिएगा कितनी खूबसूरत मूर्ति है। बहुत मज़ा आया माँ की इस मूर्ति को देख के, बहुत संतुष्टि मिली माँ की इस मूर्ति को देख के, खूबसूरत मूर्ति। अभी तक आप मेरे साथ करीब करीब 90 पूजा देख चुके हैं, कुछ ही देर में हम अपनी 90th पूजा भी देखेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़े। इस पूजा का नाम मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो ये उसी एरिया की एक पूजा है जो बहुत ही खूबसूरत पूजा है, और इन्होंने बहुत सुंदर डेकोर किया था। और ये कलकत्ता में बहुत इंस्टाग्राम पे आई है लेकिन पता नहीं कि किसी ने इसका नाम नहीं। यहाँ भी भोग लग रहा था, पूजा हो रही थी, तो माँ को ढका हुआ था उन्होंने। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एक और पूजा देखने जो है कालीघाट दिलीप स्मृति संगो। यहाँ इस लोकेलिटी के बाशिंदे, पाड़ा के बाशिंदे बैठे हुए थे, चाय वाय पी जा रही थी, बड़ा रिलैक्स्ड माहौल था। जैसे माँ घर आई हैं, घर वाले सब बैठे हैं, माँ से बातें कर रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं आप कैसे हो, क्या हाल है, और इसी बीच में विनती भी कर रहे हैं कि अरे माँ इतने कष्ट हैं जीवन में, कुछ तो निवारण करिए, कुछ तो उन कष्टों से दूर करिए हमें। ये चलते हैं हम बादाम तला आषाढ़ शोंगो देखने। बादाम तला आषाढ़ शोंगो बहुत खूबसूरत पूजा है। आप एक बार अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या कमाल का काम किया है। मतलब मुझे बाहर से लगा नहीं था कि अंदर इतना हटके सब कुछ होगा। डेकोर भी हटके है, सजावट भी हटके है, मूर्ति तो है ही बहुत अलग तरह की। तो बहुत मजा आया इस पूरी पूजा को देखने के लिए। बहुत मुश्किल था, यहाँ के कई लोकल लोग आए हुए थे अंदर जो माँ के सामने थे, बहुत देर तक फोटोज लेते रहे, तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी माँ के पास पहुँच के फोटो लेने की। कभी कभी गुस्सा आता है, बट फिर मुझे लगता है मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हजारों लोग हैं, हम सब इसी कतार में हैं। और शायद माँ ये हमारा क्या करूँ परीक्षा ले रही हैं कि बेटा अगर मेरे से मिलना है तो थोड़ा परिश्रम करो, थोड़ा सहनशील बनो, तभी मैं दर्शन। होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। मेट्रो पहुंच के मैं घर पहुंच गया हूँ। ये है रिकैप, हमने आज ये 24 पूजाएं देखी। होपफुली आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।